तो आप बात कर लेते हैं मेष राशि का राशिफल। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके आमदनी के स्थान में चंद्रदेव आ गए हैं भैया। अब चंद्रदेव आपके राशि में इस समय 14 अंश 17 कला पर गोचर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा योग तो नहीं बना है, क्योंकि वो शनि के साथ हैं, विष योग का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे में धन की जो आवाजाही होगी वो सामान्य रहेगी, बहुत चमत्कारिक नहीं होगी। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको अपने विल पावर को, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना चाहिए और अपने जिम्मेदारी के कामों को ठीक ढंग से करना चाहिए। जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सा समय बिताने का प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा वर्कलोड से थकान होगा, ध्यान रखिएगा। किसी नई योजना में आज आपको निवेश करने से बचना चाहिए। बहते हुए जल में एक मुट्ठी काला तिला प्रवाहित कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक भी जानेंगे और शुभ रंग। पंडित जी, वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है ना, वो है वृषभ राशि का स्वामी इस समय कर्क राशि में जाकर के तृतीय भाव में विराजमान हो गया है, और वृषभ राशि से आजीविका भाव का स्वामी शनि अपने घर में मूल त्रिकोण राशि में है। इसका सीधा मतलब यही होता है कि कोई कारोबारी, कोई व्यावसायिक डील आपको धन लाभ कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो चंद्रमा शनि की युति है, आलस्य आपको आ सकता है, इसलिए आलस्य का त्याग करके ऑफिस में रुके हुए काम समय से निपटा लीजिएगा। ये बात पक्की है कि आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल आज रहने वाला है और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। किसी अनजान से कोई गुप्त बात साझा नहीं करनी चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। ये और आगे बढ़ते हैं राशि की ओर। मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए आज आपका थोड़ा सा ग्रह गोचर इसलिए नहीं ठीक लग रहा है कि आपके भाग्य स्थान में विष योग बना हुआ है। कहने का आशय यह है कि आपका भाग्येश बुध जो है इस समय अस्त हुआ पड़ा है। अगर आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ, साझीदार के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है और ये अनबन नुकसान में परिवर्तित हो सकती है। दूसरी बात, नौकरी में तरक्की का योग है, परिवार के साथ घूमने का प्लान बन सकता है, ज़्यादा गुस्सा आपकी तबीयत को बिगाड़ सकता है, किसी से व्यर्थ का वाद विवाद न करें, भगवान गणेश की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी अब जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा और आज का पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में शनि के साथ अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके राशि में शुक्र जैसा शुभग्रह है और आपके धन भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति है, सूर्य और बुध की युति है, क्षमा करिएगा। ये द्वितीयेश तृतीयेश की युति आपके कारोबार को बढ़ाएगा और बचत भी होगी। ऑफिस में अगर नौकरी करते हैं तो आपको अपना काम किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। आपका व्यवहार रिश्तों में सुधार लाएगा। खान पान पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी के साथ बिल्कुल कोई ऐसा वादा मत कीजिए जिसे आप निभा न पाए। जरूरतमंदों में अन्नदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए तो खुशी की ही बात है कि आपका ग्रह गोचर अच्छा है, आज अयाचित धन लाभ योग बना हुआ है, सूर्य बुध की युति आपके राशि में है, आज तो जहां हाथ लगाएंगे वहीं से आपको पैसा बरसेगा, तो दिन तो अच्छा है आपके लिए ना। और आपस में ऑफिस में आपके सहकर्मी जो है वो भी साथ देंगे, वो भी आपके कंधे में कंधा मिलाकर काम करेंगे, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। कुल मिला करके अगर आप थोड़ा सा भी नकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे तो सेहत बिगड़ सकती है। बिना पढ़े किसी कागज़ पर हस्ताक्षर, किसी पर विश्वास करके बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत, साथ ही जानेंगे आज का उपाय भी, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातकों के लिए एक खुशखबरी क्या है जानते हैं? वो ये है कि आपके धन भाव का स्वामी आय भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो अगर आज आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करेंगे या कमोडिटी में निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी बड़े काम में आपको सफलता हासिल होगी। परिवार में अनबन हो सकती है, बाहरी खान पान आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। व्यर्थ में किसी पर गुस्सा ना करें, छोटी कन्याओं में लाल वस्त्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए नौ है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे सबसे बड़े दोष की, और वो पांचवा है और सबसे गंभीर बताया जाता है, जो आपके रिश्ते की बात हो, आपकी तरक्की की बात हो, आपकी सेहत की बात हो, आपकी संतान को भी प्रभावित कर सकता है। कौन सा वो दोष है पंडित जी, हमें बताएं। देखिए ये है केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष है और ये केंद्राधिपति दोष होता क्या है आप समझिए। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च, क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। इसका मतलब आप समझिए कि लग्न चतुर्थ और सप्तम और दशम ये जो स्थान हैं, ये स्थान केंद्र माने जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से। अगर इन स्थानों के स्वामी शुभग्रह हों तो अपनी दशा महादशा अंतर दशा में वो उदासीन हो जाते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन अगर इन केंद्र का स्वामी पापग्रह हो जाए, जैसे शनि राहु केतु का आधिपत्य बन जाए इन स्थानों पर, तो इसका अच्छा फल मिलने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो इस तरह से ये केंद्राधिपत्य दोष जो है यह भी मनुष्य के लिए काफी दुखदाई है। और राहु केतु का दोष अगर है तो अपने घर में आपको नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए, भगवान विष्णु भगवान शिव और राहु केतु के मंत्रों का जप करवाना चाहिए। ग्रहण के दिन तुला दान करना चाहिए, नीले रंग का कंबल दान करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, आठ मुखी नौ मुखी और तेरह मुखी रुद्राक्ष का कवच धारण करना चाहिए। रसोई बड़ी है तो वहीं बैठकर भोजन करना चाहिए। अपने घर की दीवारों को साफ रखें, उनमें जाला न लगने दें। अपने बाथरूम को कभी भी गंदा न रखें। दीवारों पर दरारें और सीलन न आने दें। माँ सरस्वती की उपासना करें, विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। नीलकंठ स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। चलिए तो तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी दशम भाव में गोचर कर रहा है आजीविका के स्थान में।
अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी की डील आज आपके लिए धन लाभ कराने वाली है, और अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, घर में मेहमान आ सकते हैं, सिर का दर्द आपको परेशान कर सकता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय एकादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहा है, और व्यय भाव का केतु व्यर्थ का खर्च करवाएगा, जिससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपकी जेब ढीली हो सकती है। नौकरी में बदलाव के लिए समय अच्छा है। बच्चों से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आंखों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। छोटे बच्चों में खिलौने बांटने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप जानते हैं कि धनु राशि वालों के भाग्य के सितारे आज उनका साथ देंगे या नहीं, और जानेंगे ये सारे हम उपाय भी। देखिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अब भी राहु के साथ है, और इस तरह से ग्रहों की स्थिति देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि तृतीय भाव में चंद्र शनि की युति आपको धन लाभ करा सकती है, लेकिन वो किसी पुराने निवेश के कारण। ऑफिस में सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताऊं कि धनु राशि अगर आपकी है, जो बृहस्पति राहु की स्थिति है, उसके आधार पर बेवजह चिंता मत करिएगा। अगर आप चिंता करेंगे ना, तो नींद से संबंधी समस्या पैदा हो सकती है, जो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतिएगा और धार्मिक कार्यों में योगदान दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल आज का दिन कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है, और आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति और राहु की युति बनी हुई है। ये ग्रहों की स्थिति को देख करके हम इस निष्कर्ष पर आज पहुंच रहे हैं कि आज आपको कोई निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप शेयर में या कमोडिटी में आज पैसा लगा रहे हैं और जरा सी भी ओवर कॉन्फिडेंस की गति आपके अंदर आई, तो नुकसान होना संभव है, और बिल्कुल नुकसान हो सकता है। तो इसलिए निवेश करते समय आज बहुत सूझबूझ के साथ या तो निवेश ना करें, मेरा सुझाव तो आपके लिए यही है। काम से जुड़ी कोई यात्रा आज आप कर सकते हैं। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ज्यादा भागदौड़ थकान का कारण बनेगी। पुरानी गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, हो सके तो पुरानी गाड़ी ना खरीदें। कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन, क्या है शुभ अंक और क्या है उपाय। देखिए, आपके राशि में तो चंद्रमा और शनि हैं। अगर आप अपने दिमाग से कुछ करेंगे तो नुकसान कर लेंगे। अगर किसी एक्सपर्ट की राय से कोई काम आप करेंगे तो उसमें धन लाभ हो सकता है। इसलिए आज आपको किसी से सलाह एक्सपर्ट से जरूर लेनी चाहिए, अगर कहीं कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं
तो निश्चित रूप से आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चों के साथ घूमने की योजना बन सकती है, जो बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। योग और प्राणायाम आपको करते रहना चाहिए। किसी को अपना वाहन आपको चलाने के लिए नहीं देना चाहिए। गरीब विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान आपको बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन। देखिए, मीन राशि के जातकों को तो यही कह सकता हूं कि आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति और राहु की स्थिति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो नए कारोबार से तो आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन अगर पुराना कारोबार चल रहा है तो उसमें गति वही रहेगी जो कल थी। अगर नौकरी करते हैं तो रोज की तरह आज का भी दिन रहने वाला है, कुछ खास नहीं होने वाला है, लेकिन परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। मन शांत रखिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी जिद आपका नुकसान करा सकती है। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।